स्वागत करते हैं आपका किसान चैनल दीहरे ढिल्लों पर किसान साथियों आज हम आपको अरली की एक ऐसी वैरायटी दिखाने वाले हैं जो यहाँ पर अपने यूपी में पास है और काफ़ी अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई यहाँ से ले रहे हैं तो यह कौन सी वैरायटी है और किस भाई के पास में है क्यों तो भाई जी एक बार अपना परिचय दे दो नमस्कार जी मेरा गाँव पिलकनी तहसील रामपुर मनियारन और जिला सहारनपुर बहुत अच्छा जी तो भाई ये जो आपने वराइटी लगा रखी है तो थोड़ा इस वराइटी के बारे में बताओ कौन सी वरायटी है 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 जी की है। तो यहाँ से दिक्कत तो कुछ नहीं आने की क्योंकि यहाँ पास है अपने यूपी में और मिल वाले आराम से लेंगे इसको बिल्कुल जी अच्छा जी तो ये जो वरायटी है जो गन्ना देख पा रहे हम काफी अच्छा गन्ना खड़ा ये पौधा गन्ना है कि पेड्डी गन्ना है ये

मध्यम मोटाई का ही गन्ना है और अंगोड़ा इस पर काफी हरा भरा है चारे की कोई समस्या आने वाली है नहीं किसान भाइयों के लिए तो आपने कितने इंच में बोआई कर रखी थी इसकी ये अट्ठाइस इंच जी अट्ठाईस बिल्कुल शादी भी दी है अपनी बिल्कुल शादी भी तो शायद अगर चौड़ाई बढ़ाएं तो साइज भी बढ़ सकता है गन्ने का हाँ जी बिल्कुल जी हमारे पीछे तेरह बीस्टे थे वो हमें पेड़ों में बो रखे थे तो उनमें तेरह बीसों में दो क्विंटल बीज बोया था और बासठ क्विंटल का उत्पादन हो गया था पैदावार अच्छी गई? जी बिल्कुल और पेडी का कैसा रिजल्ट रहा जी पेडी का बारे में बताओ बीमारी कितनी लग जी जी। कोई बीमारी नहीं है बीमारी कोई नहीं है इसमें बुआई के टाइम पे आपका फिर इपको की शिरा का एक स्प्रे ट्रेंचिंग द्वारा जी डीएपी यूरिया और आपका ये क्या नाम केचू का खाद जी ये है जी बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें और बाद में जैसे बरसात के मौसम से पहले फंगस का अटैक होता कुछ है कुछ भी नहीं जी फंगस का अटैक कहीं भी कोई स्प्रे नहीं है इसमें और किसी प्रकार की कोई बीमारी आई नहीं और भाईयो पेडी अगर पौधा अच्छा होता हो और पेडी खराब होती हो तो ये भी किसान के लिए नुकसानदायक होता है लेकिन इस वैरायटी में पौधा भी बहुत जबरदस्त हो रहा है और पेडी अभी से दिखाते हैं हम आपको ये देखें भाइयों कितनी अच्छी टीलरिंग आगे पेडी के लिए अभी से फूटा होना स्टार्ट हो चुका है और अंदर दिखाते हैं आपको अंदर लेके चलते हैं तो ये देखिए अभी से कल फूटने स्टार्ट हो चुके हैं इसका ये मतलब है पेड्डी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है पेडी का उत्पादन भी हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा आएगा तो जैसे हमारे किसान भाई बीजों की तलाश में है और अभी स्थिति भी क्लियर नहीं हो पा रही मन में क्योंकि कोई सी वरायटी किसी जगह अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही कोई वरायटी किसी जगह तो इस वराइटी के बारे में बताओ क्या विकल्प के रूप में लगा सकते हैं किसान भाई जी बिल्कुल लगा सकते हैं जी थोड़ा लगा के देख लो आज भी एक भी अगर हमारे किसान भाई आपसे बीज लेना चाहे तो आप बीज की व्यवस्था किस प्रकार करोगे मिल रेट मिल रेट में मिल जाएगा जी बिल्कुल तो मिल रेट में क्या रेट है जी साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ अभी वैसे पर्चियों पे रेट क्लियर नहीं हो गए हो पाया अगर दस बीस रुपए बढ़ते हैं तो उस हिसाब से आप किसानों के लिए सुविधा करोगे जी बिल्कुल तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दो बारवे तीन सौ इकसठ बासठ सात जीरो सात एक बार दोबारा से रिपीट कर दो चारवे तीन सौ इकसठ बासठ सात जीरो सात तो देखिए किसान भाइयों ये था हमारा भाई का कॉन्टैक्ट नंबर अगर हमारा कोई भाई किसान भाई इस वराइटी को लगाना चाहे तो भाई से लेकर जा सकते हैं कोई परेशानी वाली बात है नहीं मिल रेट पे गन्ने का बीज आपको यहाँ से मिल जाएगा तो भाइयों भविष्य में आगे भी आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी तो चैनल पर जरूर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें のしか。